टीवी पर डिबेट हो रही है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नेता आपस में बहस कर रहे हैं। चीन को कैसे पछाड़ा जाए, क्या इस बार भारत चीन को हरा देगा, और मिलिट्री का कंपैरिजन किया जा रहा है, चाइना हमसे कितना कमजोर है कितना मजबूत है। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। टीवी चैनल्स को अपनी टीआरपी चाहिए, नेताओं को अपनी राजनीति चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि पहली बार कोई जवान ने बलिदान दिया है चाइना के बॉर्डर पर या भारत के बॉर्डर पर। 2 दिन के बाद सिर्फ उन्हीं घरों में ये आग सुलगती रहेगी जिन घरों के बच्चे या जिन घरों के व्यक्तियों ने बलिदान दिया है चाइना के बॉर्डर पर। हर बार कोई ऐसा मुद्दा उठता है जिसके बाद बॉयकॉट चाइना की मुहिम चलती है, लेकिन क्या हम सही मायने में ये करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो क्यों हर साल दिवाली पर बॉयकॉट चाइना लाइट्स दियाज की मुहिम चलाई जाती है? क्यों हर साल होली पर बॉयकॉट चाइना कलर्स की मुहिम चलाई जाती है? क्योंकि अगर हम करना चाहते हैं तो एक बार मुहिम चलाने से ही काम चल जाएगा। लोग इतने जागरूक हो सकते हैं क्योंकि वो अगले साल उसको इस्तेमाल ही ना करें। समस्या ये है कि क्या हम सही मायने में करना चाहते हैं या नहीं, ये हमें पता करना होगा। दूसरी बात, क्या हम सही मायने में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स या चीन का बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम इतने कैपेबल हैं? हर साल 5 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान भारत आयात करता है चीन से। उसमें कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, खिलौने, कपड़े, ग्रॉसरी, गिफ्ट आइटम्स या छोटे मोटे से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, सभी भारत आयात करता है। ये लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान बैठता है। अब इस पर बात आती है, पहली बात आती है कि सरकार रोक नहीं लगा रही। सरकार जो है प्रोजेक्ट्स देती है चाइना की कंपनीज को, आपस में ही गली मोहल्ले की बहस होती है ये। अगर सही मायने में मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि 2 चीजें हैं जो बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट चाइना की मुहिम को सफल बना सकती है। एक है शिक्षा, एजुकेशन, दूसरी है जागरूकता, अवेयरनेस। दोनों के उदाहरण मैं दूंगा। जापान एक ऐसी कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने एडी चोटी का दम लगा लिया है, लेकिन वो जापान में अपना सामान नहीं बेच सकता है। ये दोनों का उदाहरण है जापान अकेला, शिक्षा का भी और जागरूकता का भी, एजुकेशन और अवेयरनेस। जापान ने अपने लोगों को इतना एजुकेट किया है, इतना अवेयर किया है कि वहां के लोग अब अमेरिका तो छोड़िए किसी भी देश का सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने स्वदेशी, अपने ही देश में बना हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं और वो इस पर गर्व महसूस करते हैं, बेशक उनका सामान इनफीरियर क्वालिटी का क्यों ना हो। जापान जैसे देश ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है, और अगर सच मानिए, सच पूछिए, तो कोई भी देश इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी किसी भी एक देश के लिए नहीं बना सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसको सभी देशों को फॉलो करना पड़ता है। जापान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अमेरिका अपना सामान ले जा सकता है, लेकिन फर्ज सिर्फ इतना है कि वो वहां के लोगों को जबरदस्ती सामान उनके घरों में नहीं रख सकता। यहीं पर अमेरिका जापान में मार खा गया, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस और एजुकेशन इतनी है स्वदेशी के लिए। कैट जैसी संस्था, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन है, उसने अभी एक अभियान चलाया है, भारतीय सामान हमारा अभिमान। ये एक अभियान चलाया है जिसमें स्टेप वाइज तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, ये जो कैट की एसोसिएशन है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, ये चाइना से आने वाले सामान को कम करेगी, आयात को कम करेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान हर साल चीन से आयात किया जाता है। इस एसोसिएशन ने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है जिसमें 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब इनिशियली फर्स्ट स्टेज में वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिन प्रोडक्ट्स में किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, पहले उन चीजों को पूर्ण रूप से भारतीय सामान के ऊपर निर्भर किया जाएगा, भारतीय मार्केट को, भारतीय सामान के ऊपर। इनमें हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ सस्ते होने की वजह से हम चाइना से ये सामान खरीदते हैं। और 2021 तक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा है, इनका ये एम है, गोल है, कि वो 1 लाख करोड़ का झटका चीन को देंगे, 1 लाख करोड़ का आयात वो चीन से घटा देंगे इस फर्स्ट, जो प्रथम चरण है इस अभियान का, इसकी वजह से।
तो सोचिए अगर एसोसिएशन अपना काम कर रही है, इस अभियान का नाम लेकर हमें कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना है, हमें इनका साथ देना है, क्योंकि हमारा काम अभी शुरू हुआ है। कितना टाइम लगता है अगर हम कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ये देखने में कि उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है या नहीं, कितनी जरूरत है हमारे बच्चों को खिलौनों की, क्योंकि अधिकतर सामान खिलौने गिफ्ट आइटम्स ऐसी चीजें आती हैं चाइना से। आप और मैं जब बड़े हुए थे तो सोचकर देखिए हम कितने खिलौनों से खेले थे, हमारे बच्चों को उनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी आज पैदा की गई है। गिफ्ट आइटम्स आते हैं चाइना से, क्या कोई भी एक पौधा गिफ्ट आइटम नहीं हो सकता? क्या कोई भी एक बुक गिफ्ट आइटम नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो? क्या चाइना से ही बना सामान ही गिफ्ट आइटम की कैटेगरी में आता है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी होगी, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे लोग हैं जो कोई भी बात हो सरकार पर डाल देते हैं। अरे अगर सरकार आपके मुंह में निवाला भी दे दे तो आप ये कहोगे कि इसको चबा भी सरकार ही दे या कोई नेता ही दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि सरकार अपने लेवल पर मजबूर है। वो हो सकता है कुछ ज्यादा विरोध होने पर एक दो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे, एक दो कंपनियों को आने से बंद कर दे, लेकिन WTO जैसे करार हो रखे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, सरकार भी मजबूर है, वो इतना काम नहीं कर सकती। अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन समस्या इतनी है कि हमें हर दिवाली पर किसी अभियान की जरूरत है, तभी हम चाइना से आने वाले सामान को नहीं खरीदेंगे। हमें हर होली पर एक अभियान की जरूरत है, तभी हम चाइना से आने वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी कमी को दर्शाता है कि एक बार जब कोई चीज गलत है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। पूरी जिंदगी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कोई भी देश हो, इसमें चीन नहीं, कोई भी देश हो, वो कितना खतरनाक है अगर उनका सामान यहाँ भारत में बिक रहा है। तो हमें बतानी चाहिए स्वदेशी की ताकत क्या है, आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या है। हमें ये सब अपने बच्चों को बताना होगा, तभी हम चीन से इस युद्ध को जीत सकते हैं। जागरूकता और शिक्षा, इन दोनों पर अमल कीजिए, ताकि हम चीन और अमेरिका जैसे देशों से ये जो बार बार हर दिन महीने या हर साल आने वाले जो ये लड़ाइयां होती हैं, इनसे जीत जाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।